नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पुस्तक और उनके लेखन से संबंधित 10 प्रश्नों का एक सेट दे रहा हूं, जो कि आपको सॉल्व करना है। और इस सभी 10 प्रश्नों का आंसर जो है मैं बताऊंगा, और अपने आंसर को आपको मैच करना है और देखना है कि कितने प्रश्न आपको आते हैं। और ये जो टॉपिक है पुस्तक और लेखक, इससे एक क्वेश्चन जो है हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, UPPCS हो, बिहार PCS हो, UPSI हो, बिहार SI हो, MPSI हो, लेखपाल हो या पटवारी का हो, तो इससे जुड़े एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन 10 प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो अपने आंसर के साथ जाएं और मैच करें और देखें कि कितने आपको आंसर आते हैं। अगर आप जीके संसार पर नए हैं तो मैं बता दूँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो कि नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाओ। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन पसंद आते हैं, तो अपना सहयोग देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आप पेन और नोटबुक लेकर तैयार रहें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपको इसके लिए 4 दिया गया है, महेश भट्ट, किरण बेदी, अरुण जेटली और अरुण सौरी। तो देखिए, अंधेरे से उजाले की ओर जो पुस्तक है, इसके लेखक अगर आपको पता है तो नोट डाउन करें, अगर नहीं पता तो इसका आंसर होगा सी, अरुण जेटली। अंधेरे से उजाले की जो पुस्तक है उसके लेखक है अरुण जेटली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको जो 4 ऑप्शन दिख रहा है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है कि उनके बुक और राइटर से मैच नहीं करते? तो जैसे ऑप्शन ए में है लावा जावेद अख्तर, ऑप्शन बी है लास्ट मैन इन टावर अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी है वन डे क्रिकेट द इंडियन चैलेंज आशीष रॉय, और ऑप्शन डी है डियर लाइफ साइरस मिस्त्री। तो इसका जो आंसर होगा, अगर आपको पता है तो टिकआउट करें, नहीं तो इसका जो हम बताते हैं आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डियर लाइफ साइरस मिस्त्री का नहीं है। इस वजह से ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लावा जो है वो जावेद अख्तर का है, लास्ट मैन इन टावर अरविंद अडिगा का है, और वन डे क्रिकेट द इंडियन चैलेंज जो है वो आशीष रॉय का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिकेट एज आई सी इट पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट एज आई सी इट पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, एलन बॉर्डर और शेन वार्न। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, एलन बॉर्डर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक काफी चर्चित में रहा था और ये हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुआ है, तो आप सभी को पता होगा। इसका ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, राहुल द्रविड़, शोभा डे, शेन वार्न और युवराज सिंह। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक है वह है युवराज सिंह, और ये टीम इंडिया से खेलते हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रिटर्न टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, शोभा नारायण, सलमान रसूदी या फिर आर के नारायण। तो रिटर्न टू इंडिया पुस्तक जो है इसके लेखक है शोभा नारायण, ठीक है, शोभा नारायण जो इसकी लेखिका है रिटर्न टू इंडिया की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से कौन से पुस्तक और उसके राइटर से मैच नहीं करता? तो सबसे पहले हम आते हैं ऑप्शन 1 पे। ऑप्शन 1 है स्पीकिंग फॉर माई लाइफ जो है चेरी ब्लेयर का है, ऑप्शन बी है समुद्र मंथन, सी राजा मोहन, ऑप्शन सी है वन इंडियन गर्ल लीला सेठ, और ऑप्शन डी है मेकर्स ऑफ मॉडर्न एशिया रामचंद्र गुहा। तो देखिए, ऑप्शन 1 है स्पीकिंग फॉर माई लाइफ चेरी ब्लेयर बिल्कुल सही है, समुद्र मंथन सी राजा मोहन ये भी सही है, वन इंडियन गर्ल एक गलत है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न एशिया रामचंद्र गुहा ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन इसका जो आपका होगा वह होगा सी। सी जो है वन इंडियन गर्ल लीला सेठ का नहीं है, इस वजह से इसका आंसर जो होगा वह होगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ट्रू कलर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रू कलर्स जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? आपको ऑप्शन दिया गया है मैथ्यू हेडन, बिरप्पा मोइली, एडम गिलक्रिस्ट
और चेतन भगत। तो देखिए, अगर आपको पता है तो इसे टिक आउट करें, नहीं पता तो मैं बताता हूं, जो ट्रू कलर पुस्तक है उसके लेखक हैं एडम गिलक्रिस्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, द मास्क ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक कौन है? एमजे अकबर, जेके रॉलिंग, जॉन ग्रीसम या फिर वी एस नॉय पॉल? तो आशा करता हूं यह पुस्तक के लेखक जो है आप सभी ने टिक आउट कर लिया होगा, काफी फेमस पुस्तक है। इसका सही आंसर होगा बी एस नॉय पॉल, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ पुस्तक जो है द आइडिया ऑफ जस्टिस इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कपिल सिब्बल, अमर्त्य सेन, राम जेठमलानी या फिर प्रशांत भूषण? तो द आइडिया ऑफ जस्टिस जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वह है आपके अमर्त्य सेन, जो कि भारत के इकोनॉमिस्ट हैं और इनको भारत रत्न दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, द मेकिंग ऑफ बराक ओबामा पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं, रिचर्ड वॉल्फी, बराक ओबामा, मिशेल ओबामा या इनमें से कोई नहीं। तो द मेकिंग ऑफ बराक ओबामा जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वह हैं आपके रिचर्ड वॉल्फी, यानी ऑप्शन फर्स्ट। तो आशा करता हूं कि आप सभी ने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का सही जवाब दिया होगा। तो अगर आप संतुष्ट हैं अपने जवाब से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना मार्क्स आया, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।